नमस्कार दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आपके अपने राधे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं झटपट और बहुत जल्दी से बन जाने वाली हरा धनिया और मिर्ची की चटकारेदार चटनी। इसके लिए मैंने करीब ये धनिया लिया है, ये बिल्कुल फ्रेश धनिया है, इसे मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया था। मैं ले रही हूँ इसमें 4 हरी मिर्ची, 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, 5 से 6 कली मैंने लहसुन की ली है, मूंगफली के दाने लिए हैं हमने थोड़े से, 2 टेबल स्पून करीब है। खटाई के लिए हम नींबू डाल रहे हैं, आप चाहें तो इमली भी डाल सकते हैं। हमने लिया है स्वाद अनुसार नमक, उसी के साथ मैंने लिया है पुदीना पाउडर, अगर आपके पास हरा पुदीना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और लिया है हमने थोड़ा सा पानी। दोस्तों सबसे पहले हम एक ग्राइंडर लेंगे, इसके अंदर हम डाल रहे हैं धनिया पत्ती, उसी के साथ हम डाल रहे हैं ये पुदीने का पाउडर, ये स्वाद अनुसार हमने नमक डाला है, ये मूंगफली दाना है, लहसुन की कलियां हैं, अदरक का टुकड़ा है, और अब हम डालेंगे मिर्ची। मिर्ची बड़ी है तो इसको हम तोड़ लेंगे, आसानी से हाथों से भी कट जाएगी, टूट जाएगी। थोड़ा सा डाल रहे हैं हम पानी, अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। अगर आप तीखी चटनी पसंद करते हैं तो हरी मिर्ची की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम इसे पेस्ट लेते हैं। हमने चटनी को पीस लिया है, ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। और इसमें अब सबसे आखिर में डाल रही हूं मैं वो जो हमने एक नींबू लिया था, उस नींबू का रस। चलिए अब इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे। और लीजिए हमारी चटपटी मसालेदार हरा धनिया पुदीना मिर्ची की चटनी बिल्कुल रेडी है। आप इसे दाल चावल सब्जी रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही किसी और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।